तो दोस्तों, GTA 6 का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा और पर्सनली मुझे ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। ना ज्यादा कुछ दिखाते हुए ये ट्रेलर ने बहुत कुछ दिखा दिया। आज हम इस वीडियो में रॉकस्टार गेम्स के बनाए गए दो गेम को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है GTA 5 और RDR2। तो बिना मगरमच्छ को पीछे दौड़ाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सनसेट की, तो GTA का जो सनसेट है वो थोड़ा सा पिंकिश वाइब रखता है, हालांकि RDR2 का जो सनसेट है वो थोड़ा सा ऑरेंज वाइब रखता है। ये आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दोनों को देख सकते हैं, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। RDR2 का जो सनसेट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक वाइब रखता है और येल्लो और ऑरेंज का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि GTA 6 का जो ट्रेलर है, जो सनसेट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब GTA 6 क्योंकि एक पहला गेम है जिसमें फीमेल कैरेक्टर लीड है, तो क्यों ना उस फीमेल कैरेक्टर के ऊपर बात किया जाए। तो GTA 6 की जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नाम है लूसिया और वो एक जेल में कैदी होती है। आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, लूसिया के काफ़ी सारे फोटोज़ भी आए हैं और सबसे ज़्यादा जो फेमस फोटो है वो ये वाला फोटो है। हालांकि RDR2 का जो ग्राफिक्स है उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितने मिलते जुलते हैं। GTA 6 के तो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, हालांकि RDR2 भी काफ़ी काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, RDR2 में एक फीचर आया था जो था कीचड़। कीचड़ में लतपत काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो GTA में भी इन्होंने एक कीचड़ वाला सीन दिखाया है, जो कि आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कि काफ़ी लोग कीचड़ में कुछ पार्टी टाइप कर रहे हैं। और ये RDR2 का जो कीचड़ वाला सीन है, इसमें भी कपड़े पे कीचड़, अगर आप नीचे गिरोगे तो कपड़ों पे कीचड़ लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है ये। और ये दोनों में साइड बाई साइड कंपेरिजन कर रहा हूँ दोनों का, आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग का अंतर है। और ये कुछ फोटो डाल रहा हूँ मैं इसको, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 5 साल पुराने होने के बाद भी RDR2 काफ़ी टक्कर का कॉम्पिटिशन दे रहा है। हालांकि GTA 6 अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है और 2025 में रिलीज़ होगा। तो अभी हम बात करते हैं वेजिटेशन के बारे में। GTA 6 के ट्रेलर में हमें वेजिटेशन के ऊपर ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है, बस कुछ फ्लेमिंगोज उड़ते हुए दिखे हैं। हालांकि ये जो वीडियो है ये RDR2 का वीडियो है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये। ज़्यादा कुछ था नहीं GTA 6 के ट्रेलर में, इसलिए इसके कंपैरिजन में हमारे पास ज़्यादा कोई फुटेज नहीं है, बस यही है जो आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, RDR2 में एनिमल के बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, और बर्ड्स और फिशेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। RDR2 एक बहुत ही हरा भरा गेम लगता है और ये कभी भी गेम आपको खाली महसूस नहीं करता है। उम्मीद है कि GTA 6 भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम वाटर सिमुलेशन की। जो पानी है GTA 6 के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एकदम मायामी का शहर का जो बीच है बहुत ही ज़्यादा भरा और अच्छा लग रहा था देख के। बीच में भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे और ऊपर से जो प्लेन वाला सीन था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन RDR2 थोड़ा सा डेजर्ट टाइप एरिया में है, तो वहाँ पर पानी का दिखना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की लहरें किनारे तक आ रही है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये दोनों की जो सिटी है बहुत ही अलग है, वो मॉडर्न सिटी के ऊपर बेस्ड है और ये एक जंगल के ऊपर बेस्ड है। लेकिन RDR2 किसी भी मामले में GTA 6 से पीछे नहीं हट रहा है। इस गेम में चेरी ऑन द टॉप है वो है मगरमच्छ। इस गेम में आपको बहुत ही सारे मगरमच्छ मिलने वाले हैं और ये RDR2 में भी आया था जो मगरमच्छ वाला कॉन्सेप्ट था। हालांकि जो सबसे पहला गेम जिसने मगरमच्छ को इंट्रोड्यूस किया था वो था Assassin's Creed Origins, वहीं पे मैंने पहली बार मगरमच्छ को देखा था। बाकी ये मगरमच्छ के जो फिजिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर से हमें बस इतना ही कुछ कंपेयर करने को मिला है। अगर कोई गेम प्ले का फुटेज आता है तो हम उसको ज़रूर कंपेयर करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी GTA 6 के ऊपर 2 वीडियोज़ बना के रखी है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें से ये वाला वीडियो मेरा फेवरेट है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।